रिसाइक्लिंग रीयूज। स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो आप इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज को मिस कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और आप सबका स्वागत करती हूं एक बार फिर अपने चैनल क्राफ्टेरिया। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें मोल्डिंग करना पसंद है, जिन्हें क्ले आर्ट बहुत पसंद है, जिन्हें बहुत सारे क्रिएटिव डेकोरेटिव आइटम्स बनाना बहुत पसंद है। और इसके लिए मैं आपको आज दो तरह की क्ले बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये दो पेपर पानी में भिगो के रखे हैं, इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है इसका मैं ये ड्रेन कर लूँगी और एकदम टाइट हाथ से पूरा पानी निचोड़ दूँगी। ध्यान रहे ये एकदम सूखा होना चाहिए। इसी तरह मैंने ये सारा पेपर इसका पानी निकाल दिया है, ये कुछ इतना सारा पानी वेस्ट निकला है। अब मैंने धीरे धीरे फेविकॉल इसमें मिक्स करना शुरू किया है। मैं इंटरवेल्स में इसमें फेविकॉल डाल रही थी, और जब आप इसको बाइंड देखें कि ये बाइंड होने लग गया है तब आप इसमें फेविकॉल डालना बंद कर दें। तो इस तरह आप धीरे धीरे इंटरवेल्स में ही फेविकॉल डालें, नहीं तो एकदम ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और आप इसको बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप बाद में जब आपको लगे कि अब ये बाइंड होने लग गया है तो आप अपने दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह बाइंड कर लें। इसको आपको काफ़ी देर तक बाइंड करना पड़ेगा तब ये एकदम अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया है हमारा, और ये देखिए अब ये रेडी टू यूज़ है। आप इसको किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, बट इसमें एक दिक्कत आती है, ये इतना स्मूथ नहीं होता। हाँ, पर ये यूज़ हो सकता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और आप इसमें कलर्स भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें इसको न्यूट्रल रखा है, कोई कलर मिक्स नहीं किया है। और अब इसको आप एक एयर टाइट पॉलिथिन में इसको रैप कर देंगे। मैंने ये फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ किया है, आप किसी भी नॉर्मल प्लास्टिक बैग में भी इसको रैप कर सकते हैं, बट ध्यान रहे वो एयर टाइट ज़रूर होना चाहिए। तो ये मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया है। अब ये हमारा सेकेंड मेथड है ब्रेड मशीन। ये तरीका कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इसके लिए मैंने ब्रेड लिए हैं 8 स्लाइस। ये वेनेगर है, ये रेगुलर वेनेगर है, ये एक मेरा वेजिटेबल ऑयल है, और ये फेविकॉल। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें चाहिए होंगी। और ये एक स्पून लिया है मैंने मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम इन ब्रेड्स के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। ब्रेड के कॉर्नर्स इसमें हमें यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह मैंने इस ब्रेड को पूरी तरह चॉप कर लिया है, या आप करें कि ग्राइंड कर लिया है हाथों से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है तो ये हाथों से इजीली ग्राइंड हो सकती है। अब इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच वेनेगर यूज़ करूँगी और 2 ही चम्मच वेजिटेबल ऑयल। हमने वेजिटेबल ऑयल और वेनेगर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये ब्रेड है, इसमें फंगस लग जाता है, तो वेनेगर इसको फंगस से बचाता है, और ऑयल इसे फाइन टेक्सचर देता है जिससे ये ब्रेड जल्दी से ड्राई नहीं होती। तो अब मैंने इसमें अभी 2 चम्मच फेविकॉल डाला है, और बाकी मैं नीड के अकॉर्डिंग बाद में फेविकॉल का यूज़ करूँगी। तो ये मैंने नीड करने शुरू कर दिया है इसको, और अब मैंने 2 चम्मच और इसमें फेविकॉल डाला है। तो प्रोपोर्शन आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है याद करने में, 2 चम्मच वेनेगर, 2 चम्मच ही मैंने वेजिटेबल ऑयल, और 4 चम्मच फेविकॉल का यूज़ किया है। तो ये बाइंड करना हमने शुरू कर दिया है इसको, और ये बहुत जल्दी बाइंड भी हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर मैशी और ब्रेड मैशी ही बना रहे हैं, बट आप यकीन मानिए इनका यूज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और इनकी जो ड्राइनेस है वो भी बहुत जल्दी होती है। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों हाथों का यूज़ करके इसको अच्छे से नीड कर लिया है, और आप इसको तब तक नीड करें जब तक ये आपके हाथ पे स्टिक होना बंद ना हो। जो ऑयल है इसका वो इसको पूरा फाइन टेक्सचर दे देगा, और ये अब मेरे हाथों में बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है और ये एकदम तैयार है।
तो इस तरह हम इसकी शेप दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो फाइननेस है, स्मूथनेस है, ये पेपर मैशी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो डिफरेंस यही है दोनों में, जो पेपर मैशी है वो इतना स्मूथ टेक्सचर नहीं देता आपको, और ब्रेड मैशी आपको बहुत स्मूथ टेक्सचर देता है। और आप इन दोनों को ही एयर टाइट कंटेनर में 20 से 25 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पे ही स्टोर करें। हम कई बार इन्हें फ्रिज में स्टोर कर देते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं और हमें काफ़ी टाइम तक उन्हें यूज़ करने के लिए पहले बाहर रखना पड़ता है। तो अब इसको भी मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसको स्टोर कर देंगे। सेम प्रोसेस से मैंने इसको भी रैप कर दिया है अपने फूड ग्रेड प्लास्टिक से, और अब इसको भी मैं प्लास्टिक के उसी कंटेनर में रख दूंगी जिसमें मैंने मेरी पेपर मशी रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।